पब्लिक टीवी आपकी आवाज। सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त बनाने की दिशा में मुरादाबाद नगर निगम ने एक अनूठी पहल की है। दरअसल नगर निगम के द्वारा लोगों के लिए एक निशुल्क बर्तन बैंक बनाया गया है, ताकि लोग शादी बारात बर्थडे पार्टी या किसी अन्य समारोह में भोजन परोसने में प्रयोग किए जाने वाले थर्माकोल, प्लास्टिक के बने थाली, ग्लास, चम्मच का उपयोग न करें। वहीं नगर निगम के पर्यावरण अभियंता राजीव कुमार लाठी का कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग सिंगल यूज प्लास्टिक को चोरी छुपे उपयोग करते हैं। ऐसे लोगों को वैकल्पिक व्यवस्था प्रदान किए जाने के लिए बर्तन बैंक शुरू किया गया, ताकि हमारे पर्यावरण को प्लास्टिक से होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। नगर निगम की इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए नगर निगम से संपर्क किया जा सकता है और मात्र 2,000 रुपए सिक्योरिटी जमा करनी होगी। आयोजन के बाद बर्तन वापस करने पर सिक्योरिटी का पूरा पैसा वापस कर दिया जाएगा। नगर वासियों को नगर निगम का ये बर्तन बैंक बहुत पसंद आ रहा है। हर रोज लोग बर्तन बैंक की सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। लोगों की डिमांड को देखते हुए बर्तनों की संख्या और बढ़ाई जाएगी। देखिए, मुरादाबाद नगर निगम ने जो कार्य किया है और बहुत सराहनीय और बढ़िया कार्य किया है, इससे सभी को बेनिफिट है। और जैसे कि हम शादी ब्याहों में हमारे यहाँ ज़्यादातर होता था सिंगल यूज़ प्लास्टिक का यूज़ होता था, यूज एंड थ्रो, नाले चौक हो रहे हैं, गंदगी हो रही है, तो इन सबसे भी बचाव हुआ है। और मैं ये काम जो बहुत सराहनीय है और मैं इसका समर्थन करता हूँ। क्या लोग भाग ले रहे हैं इन चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल लोग भाग ले रहे हैं। जैसे जैसे जानकारी आगे लोगों को हो रही है और उसका यूज़ भी कर रहे हैं लोग, और ये बहुत अच्छी पहल है। पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से अच्छी पहल है? बहुत अच्छी पहल है। मैं तो कह रहा हूँ कि जैसे कि सिंगल यूज़ हम लोग प्लास्टिक यूज़ करते थे, तो उसको क्या करते थे, यूज़ करने के बाद यूज एंड थ्रो पड़ी हुई है सड़कों में, नालियों में, नाले चौक हो रहे हैं, जमीन भी जमीन में दब गए, जमीन बेकार हो रही है। तो इन चीज़ों से बचाव भी हुआ है और जनता भी जागरूक हो रही है और इस चीज़ का फ़ायदा मिलना चाहिए थोड़ा। देखिए, जैसा आप सब अवगत ही हैं कि 2 अक्टूबर 2018 से सिंगल यूज़ प्लास्टिक पूरी तरह से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बैन कर दी गई है, और उस बैन को करने के बाद उसे प्रभावी रूप से रोके जाने के दृष्टिकोण से, उसका अल्टरनेट, उसका एक वैकल्पिक व्यवस्था प्रदान किए जाने के दृष्टिकोण से ये पहल की गई है। अक्सर आप देखते हैं कि ऐसे परिवार जिनके पास क्रॉकरी और अदर मटेरियल अफोर्ड करने की स्थिति नहीं है, उसे वहन करने की स्थिति नहीं है, तो वो उस केस में वो फिर कहीं ना कहीं चोरी छुपे या डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं प्लास्टिक के डिफरेंट सिंगल यूज प्लास्टिक के आइटम्स का इस्तेमाल करते हैं जो पर्यावरणीय दृष्टिकोण से नुकसानदायक होता है। उन्हें इस बात को रोके जाने से और उनके लिए एक अल्टरनेट और वैकल्पिक अरेंजमेंट किए जाने के दृष्टिकोण से मुरादाबाद नगर निगम ने यह बर्तन बैंक की पहल की है। ऐसे परिवार जिनके यहाँ कार्यक्रम हैं, वो नगर निगम में एक एप्लीकेशन देकर या फिर हमारा एक नंबर है 9105900538, इस नंबर पर कॉल करके और अपना एक ऑनलाइन रिक्वेस्ट भी इसके व्हाट्सएप नंबर पर भेज कर, और एक बहुत कम धनराशि जो उसमें सिक्योरिटी के रूप में 2,000 रुपये की रहेगी, उसको डिपॉजिट करके और वहाँ से बर्तन ले सकते हैं। और जब कार्यक्रम उनका कंप्लीट हो जाए, उस कार्यक्रम को जब कंप्लीट हो जाए और वो सकुशल उनका पूर्ण हो जाए, उन्हें फिर वहाँ से जो है उन बर्तनों को वापस नगर निगम को उपलब्ध कराना है। और जैसे ही वो उसे वापस लौटाएँगे सामान को, तो उसके साथ ही उनका जो धरोहर राशि है वो उनको वापस लौटा दी जाएगी। अर्थात जो वेस्ट है, उस वेस्ट में जो रिडक्शन है, जो इस समय गवर्नमेंट ने एक 3R का कंसेप्ट दिया है, जिसमें सबसे पहले रिड्यूज़ करना है, फिर रीयूज़ करना है, और जो रिड्यूज़ और रीयूज़ होने लायक नहीं बचेगा उसको फिर रिसाइकल करना है। इस दृष्टिकोण के साथ ये मुरादाबाद नगर निगम ने पहल की है। और मेरा आपके इस चैनल के माध्यम से अनुरोध है, ऐसे सभी परिवारों से जिनके घर में ये कार्यक्रम है, वो नगर निगम की इस उसका लाभ उठाएँ और कचरे का जो निपटान है और उसका जो क्वांटम है, जिसकी वजह से वो मात्रा शहरों में लगातार बढ़ती जा रही है, उसे घटाने में नगर निगम का सहयोग प्रदान करें। सर, क्या कुछ रिस्पॉन्स देखने में मिल रहा है, लोग आ रहे हैं? निश्चित रूप से 4-5 ऐसे इवेंट अब तक ऑर्गेनाइज किए जा चुके हैं जो इसी एंगल से किए गए हैं। अभी और इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है, लोगों को और प्रेरित किया जाएगा ताकि वो इस बर्तन बैंक का लाभ उठाकर अपने घर परिवार के मांगलिक कार्यक्रमों में इस नगर निगम की पहल का लाभ उठा सके। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।